Hi students, now in the previous class we saw Sarav according to his plan sent the stranger in a boat to the nearby island asking him to get to see whether he will get a Korean ship from there. And now let's see what happens towards the end of the chapter. So after that he went to the general, and all of you know that general had promised that he will send some assassins. So just to discuss about the matter, Sarav met the general, and what general convinced him for not sending the assassins, let's see. So general told him that he had promised to send assassins. So Sarav is telling, you did excellency. Your excellency, आपने बोला था कि assassin उसको भेजेगा. Well, the old man said in a tone of amazement. Amazement मतलब कुछ wonder के साथ बोला. So I did, मैंने बोला था. But you see, but तुम मुझे समझना. You see, I was suffering a good deal. मेरा तबियत थोड़ा सही नहीं था. I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. तो मैं सच्चाई ये है कि मेरा तबीयत इतना खराब था कि मैं किसी और के बारे में सोचा नहीं, खुद अपने बारे में ही सोच रहे थे. In short, I forgot my promise to you. तो उन्होंने ये बोला कि उनका assassin के न भेजने का reason है कि उनका तबीयत बहुत ही खराब थे और वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि उनके खुद के बारे में ही सोच रहे थे. And so he forgot to send. Forgot to fulfill the promise that he made. What was the promise? Promise ये था कि किसी ऐसा एक या दो assassins को भेजेगा इस stranger का काम तमाम करने के लिए, उसको मारने के लिए. ठीक है. I wondered, your excellency, Sadao murmured. मैं सोच रहे थे आपने क्यों नहीं भेजा. It was certainly very careless of me. तो ये मान लो कि मैं बहुत careless हो गया. इससे तो कैरलेस से ज्यादा बोलना चाहिए कि सेल्फिश हो गया. द जनरल सेड, बट यू अंडरस्टैंड इट वाज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म. बट ये तुम ये मत समझना कि मुझे अपने देश के प्रति प्यार नहीं है, देशभक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है. मैं देशभक्त हूँ और डिरेलिक्शन मतलब किसी तरह का कैरलेसनेस नहीं है. एक तरह से पैट्रियोटिज्म का कमी या कैरलेस होके नहीं किया मैंने ये. He looked anxiously at the doctor. वो डॉक्टर का एक्सप्रेशन देखेंगे, उसकी तरफ देखा. इफ द मैटर कम्स आउट, अगर किसी को पता लगेगा ये मैटर के बारे में, यू वुड अंडरस्टैंड दैट. अगर बातों को आगे पड़ गया या बाहर पता लग गया किसी को, और शायद हो सकता है सराव पकड़ा जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो जनरल पहले से बोल रहे कि तुम मेरा कंडीशन समझोगे कि मैंने इस रीजन से ही उस आदमी को मारने के लिए किसी को भेजा नहीं, बल्कि ये मेरा देशभक्ति की कमी या कैरलेसनेस, देशभक्ति की कमी नहीं है और बस कैरलेसनेस भी नहीं है, ड्यूटी के प्रति कैरलेसनेस भी नहीं है. बट ओनली थिंग इज दैट आई वॉज नॉट बैड. सर्टनली योर एक्सेलेंसी. तो ये सुनकर सराव बोला, मुझे बिल्कुल आप पर विश्वास है. सर, ही सडनली कॉम्प्रहेंडेड, मतलब उनको समझ में आया कि दैट द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड. तो उनको पता लग गया कि अभी जनरल उनके मुट्ठी में है. जनरल सराव को धोखा नहीं देगा, पूरा यकीन हो गया सराव को. आई कैन श्योर टू योर लॉयल्टी एक्सलेंसी, आपका लॉयल्टी मुझे पक्का अच्छी तरह मालूम है कि आप लॉयल हैं अपने कंट्री के प्रति. ही सेड टू द ओल्ड जनरल, एंड टू योर जील अगेंस्ट दी एनिमी. जील मतलब आपका डेडिकेशन या ड्यूटी माइंडेडनेस, और आप कितना ड्यूटी माइंडेड है अपने एनिमी के अगेंस्ट, वो भी मुझे अच्छी तरह मालूम है. सो लेट्स लुक द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. लेट प्लीज नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन. वॉट एक्सक्यूज डिड द जनरल गिव. What excuse did the general give for not sending the assassins? For not sending his assassins. I'll repeat the question once again. Please
Hear carefully. What excuse did the general give for not sending the assassins? For not sending the assassins. Hope it's clear for all of you. Let me proceed. You are a good man. तो सराव के बातों से जनरल को थोड़ा सेटिस्फाइड हो गया कि इसको पता लग गया कि सराव ने इसको अच्छी तरह समझ रखा है. तो जनरल सर यू आर ए वेरी गुड मैन. द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज हिज आईज. सो पेन के आपको मालूम है ऑपरेशन खत्म हुआ, थोड़ा रेस्ट करने के लिए आपके बंद किया. यू विल बी रिवार्डेड. तुम्हें अच्छे से एक रिवार्ड दिया जाएगा. सो दैट्स एंड ऑफ द कन्वर्सेशन. देयर बाद में सराव घर गया. बट सराव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट सी दैट नाइट. वो अपने घर के साइड में गया के जिस दिशा में वो स्ट्रेंजर गया था उस तरफ देखने लग गया कि कोई टॉर्च का लाइट दिख रहा है. क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, सराव ने बताया था कि सूरज अस्त में सूर्यास्त सनसेट का उस समय पे कि दो बार ट्विलाइट ये टॉर्च जलाना फ्लैश लाइट अगर फूड खत्म हो गया और अगर तुम सही सलामत है फूड उधर ही है और तुम उधर ही हो फूड भी है तो एक बार टॉर्च जलाना मतलब फ्लैश लाइट जलाने के लिए. तो सदा वो देख रहे थे कि ये फ्लैश लाइट आ रहा है और उसको बहुत हैप्पी हो गया कि फ्लैश लाइट बिल्कुल नहीं आया. इसका मतलब है कि उसको कोई कोरियन शिप मिल गया है. तो सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट सी दैट नाइट हैड हिज रिवार्ड. उसको अपना रियल रिवार्ड मिल गया, उनको सेटिस्फेक्शन मिल गया ये जान के कि हमारा स्ट्रेंजर उधर से गया होगा. दैट इज अ रिवार्ड इज मेंशनिंग. There was no prick of light in the dusk. उस समय शाम के टाइम पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं दिखा. No one was on the island. तो उससे यकीन हो रहा है कि इस आइलैंड में भी कोई नहीं है. That means stranger has left the island. His prisoner was gone, safe. तो अभी यकीन हो रहा है कि वो prisoner या stranger चला गया होगा, कोई कोरियन ship मिल गई. Doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. तो उन्होंने नेचर से जब जा रहे जाने से बोला था उधर से ओनली कोरियन फिशिंग बोट ही पकड़ना है. तो शायद हो सकता है कोरियन फिश मिल गया होगा, शिप मिल गया होगा, वो उधर से चला गया. तो ही वाज वेरी हैप्पी, ही गॉट द रियल रिवॉर्ड. तो वो उधर ही खड़े होकर अभी तक जिस स्ट्रेंजर तक उन्होंने जितना भी अमेरिकन्स को मिला था उनके बारे में सोचने लग गया. ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वेरांडा gazing onto the sea from whence the young man had come that other night. तो जहाँ से वो आदमी समुद्र से आदमी देखा फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में कि वो जिस तरह स्ट्रेंजर समुद्र से आया था उसी डायरेक्शन को देख के थोड़ी देर हमारा सड़ाव खड़े हो गए उधर. उनके माइंड में अलग अलग सोच आ रहे थे, थॉट्स आ रहे थे क्या है देखते हैं. एंड इन टू हिज माइंड, उसके माइंड में ऑल दो विदाउट रीजन देयर केम अदर वाइट फेसेस. तो अभी तक इस स्ट्रेंजर के अलावा कितने भी वाइट पर्सन को वो जानते थे उनके बारे में वो सोचने लगा. The professor at whose house he had met Anna, जिस प्रोफेसर के घर में वो रहते थे जहां पर उन्होंने अना का अना से मुलाकात किया उनके बारे में सोचा. ए डल मैन, बहुत ही बोरिंग मैन, अपनी बातों से सबको बोर करते हैं. एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमन. ऑलरेडी बताया था वो लैंडलेडी बहुत ही बात करके सबको बोर करते हैं, सबको इरिटेट करते हैं, उनके बारे में सोचा वो. इंस्पाइट ऑफ अ विश टू बी काइंड, तो वो लैंडलेडी काइंड होना चाहते थे बट फिर भी अपने बातों से ज्यादा बात करने वजह से सबको इरिटेट कर. देन ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी. आपको मालूम है जिस प्रोफेसर उनको बोला था कि बॉडी को अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए. तो उस प्रोफेसर के बारे में सोचा उन्होंने. ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद हिज नाइफ. तो नाइफ या ऑपरेशन करते समय अपने पेशेंट के प्रति बहुत ही काइंडनेस दिखाना है हमेशा सिखाया हुआ या मर्सी दिखाना है वो सिखाया उस एनाटॉमी प्रोफेसर के बारे में सोचा हो. And then he remembered the face of his fat and slatternly landlady. और फिर उन्होंने अपना landlady का face of his fat and slatternly landlady. That मतलब careless.
बहुत ही केयरलेस या इरिटेटिंग प्लान लेने के बारे में सोचो, क्योंकि इतने लोगों के बारे में सोचा हो। ही हैड अ ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वाज ए जापानीज। आपको मालूम है अमेरिका में ना जो वो पढ़ने गए थे अपना साइंस मेडिकल साइंस मेडिसिन के बारे में स्टडी करने के लिए गए थे, तब उनको उधर एक घर मिलने में बहुत प्रॉब्लम हुआ क्योंकि अमेरिकन रेशियल प्रोजुडिस करने वाले थे, वो लोग इजिली किसी को घर नहीं देने के लिए रेडी थे, और ये सदा जापानी होने के कारण। इट वॉज डिफिकल्ट इन फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वॉज ए जापानीज। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस, प्रेजुडिस फुल ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव कंट्री का या अपने कुल का अपना एथनिसिटी का वो डिफरेंस दिखाने वाला था, एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट। और इस तरह का रेशियल प्रेजुडिस देखकर उधर रहना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था। Knowing himself their superior, और सदा अपने आप को उनका सुपीरियर मानते थे और वो अपने उनको मतलब सदा को इंफीरियर समझते थे, तो इसलिए उधर रहना बहुत ही दिक्कत था। How he had despised, despised मतलब hated, जितना नापसंद किया था वो उस ignorant and dirty old woman, अपने landlady को, landlady को बोल रहे कि उन्होंने hate किया था, the ignorant and dirty old woman who had at last consented to housing in a miserable home. लास्ट में ये लैंडलेडी ने तो रेडी किया, रेडी हुआ था लास्ट लैंडलेडी रेडी हुआ था हमारे सदा को उसी घर में रखने के लिए, और उस लैंडलेडी के बारे में सदा सोच रहे ही वो शी वॉज वेरी इग्नोरेंट एंड डर्टी। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर। देखो सदा का तबीयत एक बार बहुत खराब हुआ था, उस समय उनका देखभाल उस लैंडलेडी ने किया था, तो सदा सोचा था कि उनके प्रति कुछ ग्रेटफुल हो जाऊं, थैंकफुल हो जाऊं इस तरह का हेल्प के लिए। तो ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी हैड हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा। उनको इन्फ्लुएंजा का बीमारी पड़ने पे उनका देखभाल उस लैंडलेडी ने किया था, इसलिए वो उसके प्रति थैंकफुल होने का सोचा था लास्ट ईयर का, उधर का लास्ट ईयर में। बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर शी वॉज नो लेस विपन सीक टू मीन अ काइंडनेस। वो काइंडनेस होने के बावजूद भी उस काइंडनेस में भी बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर था वो, विपन सिंह मतलब वेरी बोरिंग कैरेक्टर और एनुअल कैरेक्टर या इरिटेटिंग कैरेक्टर। तो जितना भी काइंडनेस दे रहा था काइंडनेस के साथ साथ उस काइंडनेस के बिहेवियर में भी उनका इरिटेटिंग कैरेक्टर आ रहा था, इसलिए वो ग्रेटफुल नहीं हो पा रहा था। सोचते हुए वो सोचा था कि थैंकफुल हो जाएगा बट स्टिल ही कुडंट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे, सदा हैड हिज रिवार्ड। हमने प्रीवियस दो तीन पैराग्राफ पहले देखा था कि कहीं लिखा हुआ है कि सदा हैड हिज रिवार्ड, विच रिवार्ड इज बीन मेंशनड हियर, कौन सा रिवार्ड के बारे में इधर मेंशन है। आई रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन, सदा हैड हिज रिवार्ड, व्हाट रिवार्ड इज मेंशनड हियर, इधर कौन सा रिवार्ड के बारे में मेंशन है। Now he remembered the youthful thoughts, अमेरिका में जिन लोगों से वो मुलाकात हुआ उसके बारे में at last वो इस stranger के बारे में सोचने लग गया जो समुद्र से wash off करके उसके घर के सामने आया था। And at last he remembered the youthful haggard, haggard slim दुबला पतला face of his prisoner, pale slim चेहरा जैसे haggard face of his prisoner, white and repulsive. मतलब वेरी हॉरिबल एंड इरिटेटिंग, बिकॉज यू नो जितना भी वो घर पे रहा उस पूरे टाइम पे वो दोनों बहुत टेंशन में थे सदा और अना। सो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर व्हाई कुड नॉट किल हिम, मैं अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनको क्यों नहीं मारा। वो आप भी सोच सकते हैं कि सदा ने जो कुछ किया सही था या गलत था, सदा क्या करना चाहिए था, क्या किया, क्या वो सही था। लेट Please take out the third question. What thoughts did Sadao have on the American landlady? What thoughts? ये towards last paragraph हमने देखा वो American landlady के बारे में सोच रहे हैं। वो लिखना आपको। What thoughts did Sadao have on the American landlady? So that's the end of this chapter.
take down the questions, view the video properly and take down the question. Give your answers, not your friends, and send to me at the earliest. Have a wonderful day.